कोलकाता में आज से शुरू होगा सीपीएम का सम्मेलन। 2016 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीपीएम का मंथन। कोलकाता में चार दिन चलेगा सीपीएम का सम्मेलन। 37 साल के बाद चुनावी रणनीति पर पार्टी ने बुलाई बैठक। डीडीसीए विवाद में बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। पीएम से मिलने का मांगा पत्र। अभिनेता अनुपम खेर ने कश्मीर समस्या के लिए अनुच्छेद 370 को बताया जिम्मेदार। कहा अनुच्छेद 370 को तुरंत खत्म करने की जरूरत। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा जिस दिन बंगाल पंजाब गुजरात के साथ साथ देश के दूसरे हिस्से के लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने की अनुमति होगी उस दिन कश्मीर सुलझ जाएगी समस्या। पंजाब में मोहाली एयरपोर्ट के नाम पर छिड़ा घमासान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा भगत सिंह के नाम पर ही मोहाली एयरपोर्ट का नाम हो। भगत सिंह के बजाय डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर मोहाली एयरपोर्ट का नाम करना चाहती है सरकार। संघ से रहा है डॉक्टर मंगल सेन का नाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। कहा हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम नंदन सेन के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा गया तो एयरपोर्ट का करेंगे बहिष्कार। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ ही एयरपोर्ट का नाम मदन लाल के नाम पर रखने का किया विरोध। भगत सिंह के नाम पर सहमत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य में बिजली कटौती लेकिन सरकार कर रही है सरप्लस बिजली का दावा। बीजेपी महासचिव राम माधव ने छेड़ा अखंड भारत का राग। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से हो जाएंगे एक साथ। राम माधव ने कहा आरएसएस को अब भी भरोसा 60 साल पहले ऐतिहासिक कारणों से अलग हुए ये सभी हिस्से एक दिन लोकप्रियता और सहमति से एक साथ हो जाएंगे। राम माधव ने कहा अगर दो जर्मनी एक हो सकते हैं वियतनाम साथ हो सकता है तो लोगों को भारत में भारत पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते साथ। राम माधव ने ट्वीट कर कहा मेरा इंटरव्यू 7 दिसंबर को रिकॉर्ड हुआ लेकिन संयोग से इसका प्रसारण 25 दिसंबर को हुआ। ये इसे मोदी सरकार के मोदी जी के पाक दौरे से जोड़कर देखना गलत होगा। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात का चीन ने किया स्वागत। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए भारत सरकार और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बेहद जरूरी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार को झटका। स्थानीय निकाय चुनावों में 8 में से 5 नगर पालिकाओं पर कांग्रेस का कब्जा। शाहजहांपुर भेड़ाघाट मझौली धामनौद और ओरछा में कांग्रेस की जीत। सीहोर शाहगंज और मंदसौर में बीजेपी को कामयाबी। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान बिहार से वही बदलाव की हवा अब मध्यप्रदेश तक पहुंची। उत्तराखंड में बाढ़ राहत घोटाले को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार से मांगा इस्तीफा। हरीश रावत मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र सरकार से पूछे जाए सवाल। भुवनेश्वर में बीजू जनता दल पार्टी का 18वां संस्थापना दिवस। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समेत सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और तिब्बत में और नेपाल के छात्रों के वर्कशॉप का आयोजन। देश के 300 छात्र लेंगे सम्मेलन में हिस्सा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में किया राष्ट्रीय कृषि मेले का उद्घाटन। 3 दिनों तक चलेगा मेला। आज श्रीनगर में सेना मनाएगी विजय दिवस। 1971 में युद्ध में खदेड़ा था पाकिस्तान की सेना को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी भी मौजूद। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी जानकारी बिहार के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने का तैयार हो रहा है रोडमैप। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान जिस तरह प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जाकर कूटनीति का नया प्रयोग किया है वो तारीफ के काबिल है। 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे राजनाथ ने कहा प्रधानमंत्री के पाक दौरे की जानकारी मिलने पर मैं भी अचंभित रह गया। राजनाथ सिंह ने कहा मैं अमित शाह के साथ बैठा था तभी मेरे पास प्रधानमंत्री का आया फोन। उन्होंने कहा मैं लाहौर होते हुए दिल्ली आऊंगा। मोदी के पाक दौरे की लालकृष्ण आडवाणी ने की सराहना। कहा अटल जी ने जो प्रक्रिया शुरू की उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। आडवाणी ने कहा दोनों देशों की मित्रता आगे बढ़े मैं यही चाहता हूं। हॉट इवन फॉर्मूले में वीआईपी लोगों को मिली छूट पर सोनिया के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का केजरीवाल सरकार पर निशाना। कहा कानून सभी के लिए एक बार एक समान फिर ये पाखंड। वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा अगर जनहित में कानून लागू किया जाए तो वो सभी पर लागू होना चाहिए वीआईपी लोगों पर भी। केजरीवाल सरकार के फैसले पर वाड्रा की टिप्पणी पर भड़की आम आदमी पार्टी। कहा कॉमेंट करने के बजाय ऑड इवन फॉर्मूले को सफल बनाने में योगदान दे वाड्रा।
बिहार में नीतीश की सुशासन की खुली पोल, दरभंगा में बदमाशों ने दो इंजीनियर की गोली मारकर हत्या की। पुलिस के मुताबिक मुकेश पाठक गिरोह का हाथ, वारदात में AK-47 का इस्तेमाल। सड़क निर्माण से जुड़े इंजीनियर को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। SSP ने दरोगा को किया निलंबित। रंगदारी को लेकर कत्ल की आशंका, मृतक इंजीनियरों के नाम मुकेश कुमार और ब्रिजेश कुमार, मुकेश लखीसराय और ब्रिजेश रोहतास के रहने वाले। मारे गए इंजीनियर मुकेश कुमार का शव घर पहुंचा, परिवार में पसरा मातम। इंजीनियर मुकेश के दोनों बच्चों का हाल बेहाल। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे, छोटा शकील की धमकी के बाद छोटा राजन की बढ़ाई गई सुरक्षा, तिहाड़ में कैद है छोटा राजन। छोटा शकील की धमकी के बाद छोटा राजन के मिलने पर रोक, सेल के आसपास 27 सेल रखे गए खाली। इलाहाबाद में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद, व्यापारी के घर पर के बाहर बम से हमला, वारदात CCTV में कैद। बम फेंके जाने के बाद व्यापारी का परिवार दहशत में, मोबाइल मौके पर मिलने के बावजूद अब तक आजाद है अपराधी। मेरठ पुलिस ने वाहन लुटेरे के बड़े गैंग को कब्जे में लिया, दिल्ली NCR के करीब 18 कारें लूटने का आरोप। कानपुर में समाजवादी विधायक इरफान सोलंकी पर उनके ही घर में घुसकर हमला, इरफान की नाक पर चोट। विधायक इरफान पर हुए हमले की जांच शुरू, पुलिस ने विधायक के गनर से की पूछताछ, हमले के वक्त कहां था गनर। पूर्वी दिल्ली में लूट के इरादे से आए बदमाश, पुलिस के हत्थे चढ़े, पकड़े गए अपराधी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज। जोधपुर के मंडौर में एयरफोर्स रडार के पास 284 किलो का विस्फोटक बरामद, पुलिस ने दुकान को किया सील। मुंबई के डांस बार पर छापा, तहखाने से पकड़ी गई 12 लड़कियों में से 3 नाबालिग, बार का मैनेजर फरार, तलाश जारी। व्यापम घोटाले में इंदौर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई पहली सजा, पशु चिकित्सक प्रवेश परीक्षा मामले में 2 आरोपियों को 3-3 साल की सजा। गया में नक्सलियों का तांडव, डंफर में लगाई आग, लेवी की मांग को लेकर दिया घटना को अंजाम, मौके पर पहुंची जिला पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीम। दिल्ली के रहने वाले 22 साल के युवक की गुड़गांव में सड़क हादसे में मौत, एक्सीडेंट के बाद डेड बॉडी पर से गुजरती रही गाड़ियां। यूपी के हरदोई में एक ट्रेन के टॉयलेट से 30 कारतूस बरामद, रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी। रुड़की पुलिस की बड़ी कामयाबी, 13 साल के से फरार चल रहा 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अलवर में छात्रा के अगवा होने पर महिलाओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया आरोप, 4 दिन बीत जाने पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। बरेली में छात्रा से रेप, बलात्कार का MMS भी बनाया, इंटरनेट पर किया अपलोड। रेप पीड़ित छात्रा की 2 नाबालिग सहेलियों पर MMS इंटरनेट पर अपलोड करने का आरोप, पुलिस को दुष्कर्म के आरोपी की तलाश। गुजरात की बनासकांठा पुलिस ने जाली नोटों के 2 जालसाजों को किया गिरफ्तार, 24 लाख की जाली करेंसी के साथ गिरोह के 3 सदस्यों की पहले हो चुकी थी गिरफ्तारी। झारखंड की धनबाद पुलिस ने 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी किए लैपटॉप, इन्वर्टर और बैटरियां बरामद। यूपी के बुलंदशहर में नगर पालिका की बैठक में सभासदों के बीच मारपीट, जमकर चले लात घूंसे और 2 लोग घायल। राजस्थान के करौली में एक दलित नाबालिग लड़की का अपहरण, गुस्साए लोगों ने SP दफ्तर में किया प्रदर्शन। कोलकाता के दमदम पार्क इलाके में झुग्गियों में आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। पंजाब के तरनतारन में खेतों में छुपाकर रखी गई 50,000 लीटर अवैध शराब बरामद, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में हाईवे पर गाड़ियों की टंकी से तेल चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गिरोह के सरगना समेत 4 बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासियों ने प्रशासन पर 45 परिवारों के आशियाने उजाड़ने का लगाया आरोप, चलाया नीम हराम आंदोलन। आदिवासियों ने DM दफ्तर पर किया प्रदर्शन, प्रशासन को शर्मसार करने के लिए गाए गाने। मुंबई में पुलिस ने मरीन ड्राइव पर योग कार्यक्रम का किया आयोजन, पुलिस कमिश्नर के साथ BJP नेता शायना NC और क्रिकेटर जहीर खान आए नजर। तेलंगाना के मेडक में चंडी यज्ञ जारी, विश्व शांति और राज्य के विकास के लिए CM चंद्रशेखर राव करा रहे यज्ञ। यूपी के रामपुर में तेंदुए का आतंक, 3 लोगों की जख्मी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त ठंड, तापमान -1 में लुढ़का, लोग घरों में कैद होने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ से सफेद हुई पहाड़ियां, बड़ी कड़ाके की ठंड। अलवर में कड़ाके की सर्दी से खेतों में जमी बर्फ की परत, 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचा पारा। शिमला में विंटर कार्निवल में लोगों का जबरदस्त
जोश एंड उत्साह, कल्चरल फोक नाइट आयोजित। ठंड के बीच हिमाचली परिधानों में फैशन शो का भी आयोजन, लोगों ने जमकर लिया मजा। 50 के हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पनवेल में अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ मनाए जश्न। तबू फरा, सानिया मिर्जा, नीलम, अभिनेत्री सोनम कपूर, पिता अनिल कपूर के साथ बर्थडे पार्टी में शरीक। सलमान की बर्थडे पार्टी में मल्लिका शेरावत और कंगना रनौत भी हुई शरीक। सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा की भी देखी मौजूदगी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं। हिट एंड रन केस में हाईकोर्ट से बरी होने पर सलमान ने जताई खुशी, कहा माता पिता के सिर से हट गया बोझ। 7 महीने बाद बगदादी ने फिर दी खुली धमकी, कहा बमबारी से नहीं हुआ असर और तेज होगी जंग। सीरिया में रूसी हवाई हमले का नया वीडियो आया सामने। वीडियो पोस्ट करने वाले का दावा, शुक्रवार के हमले में एलेप्पो शहर में 100 से ज्यादा गाड़ियां हुई तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव में क्रिसमस पर चला डॉग फैशन शो का जादू, पग ने मारी बाजी। चीन के सैनडोंग प्रांत में धसी खदान, एक मजदूर की मौत, 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू, 17 लोग अभी फंसे। इंग्लैंड ने जारी की बाढ़, बर्फबारी और तेज हवाओं की चेतावनी, 110 बार चेतावनी जारी कर लोगों को खतरे से किया आगाह। अफगानिस्तान को तालिबान के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने हेलमंड के नए के नाद ए अली समेत 4 जिले तालिबान के कब्जे छुड़ाए। लंदन के एक शॉपिंग सेंटर में पुलिस को एक लड़के को 2 चाकुओं के साथ हिरासत में लिया, मची रही अफरा तफरी। शिकागो पुलिस पर बेकसूर छात्र को गोली मारने का आरोप, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन। अर्जेंटीना में बाढ़ का कहर, सैलाब में डूबे आशियाने, हर ओर पानी ही पानी। रूस के में क्रिसमस सेलिब्रेशन का दिखा अनोखा नजारा, बॉक्सिंग चैंपियन बनने की दिखी होड़। Yeah.